The Ashima Show. क्या पूरी दुनिया को इस वैक्सीन की रेस में पीछे छोड़कर रशिया सबसे आगे निकल गया है? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि फार्मा गाइडलाइंस को रशिया ने बिल्कुल ही अनदेखा किया है? रशियंस का इस पर क्या रिएक्शन है? क्या ये वैक्सीन सच में सेफ एंड सक्सेसफुल है? और क्या प्रेसिडेंट पुतिन को भी कुछ कुछ कहें तो बाबा रामदेव की कोरोनल किट वाली जैसी कॉन्ट्रोवर्सी फेस करनी पड़ रही है? इसके अलावा भी बहुत कुछ बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। ट्विटर की बात करें तो आज ट्विटर पर दो ही नाम ट्रेंड कर रहे हैं, कोरोना और पुतिन। ऐसा इसलिए क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने इस डेडली वायरस कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है, और साथ ही ये भी कहा है कि इसी साल अक्टूबर में इस वैक्सीन की मदद से पूरे रशिया में मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। प्रेसिडेंट पुतिन ने ये भी न्यूज शेयर करी कि उनकी बेटी को भी ये वैक्सीन लगाई जा चुकी है, शायद इसलिए ताकि जर्नल व्यू में लोग इस वैक्सीन को ट्रस्ट कर सकें। पुतिन ने नेशनल टेलीविजन पर अरेंज्ड एक मीटिंग में ये भी एश्योरेंस दी कि ये वैक्सीन इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करती है। हालांकि अभी ग्लोबली बहुत सी कंट्रीज की वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल्स की स्टेज पर हैं, लेकिन अगर ऑपर्चुनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रशिया की वैक्सीन ने मैदान मार लिया है। अब ये कोइंसिडेंस है या रशिया के डेलिबरेट एफर्ट्स, ये तो रशिया वाले ही जाने। आपको टाइम स्पेंड बताऊं तो सिर्फ दो ही महीने में रशिया ने इस वैक्सीन के ट्रायल्स को शुरू किया, और अभी 12 अगस्त डेट रखी गई है इस वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन करवाने की। यानी अगर सब सही रहा तो रशियन वैक्सीन दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन होगी जो लोगों को लगाई जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसने बनाई है ये वैक्सीन। ये वैक्सीन रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और गामिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई है। इस वैक्सीन को उसका नाम कैसे मिला उसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली दिस वैक्सीन गॉट इट्स नेम फ्रॉम रशियाज फर्स्ट सैटेलाइट स्पुतनिक, जो कि रशियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च की थी 1957 में। जैसे अभी रशिया और अमेरिका में कौन पहले कोरोना वैक्सीन बनाएगा उसकी लिटरली रेस है, उस वक्त भी इन दोनों देशों की स्पेस रेस पीक पर थी, तो इस राइवलरी से इंस्पायर होकर ये नाम रखा गया है। Isn't it interesting? अब बताती हूँ कि कैसे काम करेगी ये वैक्सीन। दुनिया में जितनी भी कोरोना वैक्सीन बन रही हैं, they may have different properties. इन सभी वैक्सीन का शरीर पर असर भी अलग अलग हो सकता है, क्योंकि presently हर कंट्री में वैक्सीन इज बींग मेड keeping in mind the symptoms जो कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद उस कंट्री के लोगों में दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात ये आ जाती है कि कोरोना के लक्षण सभी लोगों में एक जैसे नहीं दिखाई दे रहे। स्पेसिफिकली रशिया वाली वैक्सीन उसी तरह से काम करेगी जैसे ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन काम करेगी। गामिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया है कि आम जुखाम वाले वायरस के जेनेटिक मटेरियल को लेकर कोरोना वायरस के प्रोटीन शेल में डालकर इंसानों की बॉडी में इंसर्ट किया जाएगा। अब ऐसा करने से हमारी बॉडी के साथ एक तरह से प्रैंक किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये करने से हमारी बॉडी को लगता है कि बॉडी में कोरोना वायरस का हमला हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होता। फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम धोखे में आकर कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगता है, जिससे कि आगे के लिए इम्यूनिटी शील्ड बॉडी को मिल जाती है। तो अब अगर आपको सच में कोरोना वायरस का हमला कभी होता है तो बॉडी में एंटीबॉडी पहले से मौजूद होने की वजह से उस वायरस से इजीली फाइट कर पाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस वैक्सीन पर कोई सवाल नहीं उठा। देयर आर न्यूमरस कॉन्ट्रोवर्सीज जो कि इस वैक्सीन पर रेज हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट देम। तो सबसे पहला घपला जो नजर आ रहा है ग्लोबली वो ये है कि रशिया ने 17 जून को ट्रायल शुरू करने की बात की थी, और जुलाई में यानी कि पहले महीने में ही दावा कर दिया कि रशिया ने वैक्सीन तैयार कर ली है, विच वॉज लाइक टू क्विक। जब हर तरफ ये बात सर्कुलेट हुई तो ये पता चला कि 17 जून को तो रशिया ने महज पहले फेज का ट्रायल ही शुरू किया था। अब ऐसे में कह लीजिए सफाई देते हुए वहीं के टॉप साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया और कहा कि क्योंकि ये रिसर्च डिपार्टमेंट 20 सालों से अपनी कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस इस रीजन में शार्पन कर रहा है, तो ये इन 2 decades के हार्डवर्क का नतीजा है कि रशिया डिड नॉट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और एक कदम आगे आकर काम शुरू किया गया तभी इतनी जल्दी सलट भी गया। तो क्या इतनी तेजी से बढ़ रहे रूस को किसी इंटरनेशनल बॉडीज से कोई वार्निंग या गाइडेंस नहीं आई? तो उसके लिए आपको बताऊं तो बिल्कुल आई।
WHO ने तो पहले ही कई इंस्टेंसेस पर रशिया को वार्निंग दी थी कि वैक्सीन की डेवलपमेंट और ट्रायल में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना बरती जाए, क्योंकि अगर रिसर्च ही ढंग से ना हो तो वैक्सीन बना लेने का दावा करना बहुत गलत बात हो सकती है। WHO का ये भी कहना है कि सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन बनाने के लिए जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनको स्ट्रिक्टली हर कंट्री फॉलो करे, इंक्लूडिंग रशिया। और ये पहला मौका नहीं है जब रशिया की बन रही वैक्सीन पर सवाल उठे हो। अप्रैल के महीने में प्रेसिडेंट पुतिन ने आदेश जारी किए थे कि कोरोना की रोकथाम के लिए मेडिसिन एंड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल टाइम को कम किया जाए। ये ही नहीं, यूके, अमेरिका और कनाडा की सिक्योरिटी एजेंसीज ने रशिया पर ही एलिगेशन लगाया था कि रशिया के कुछ हैकर्स ने इन देशों में बन रही वैक्सीन इंस्टीट्यूट से डेटा इलीगली लीक करने की कोशिश भी की है। हालांकि रशिया ने ये ब्लेम्स एक्सेप्ट नहीं किए थे। रशियन वैक्सीन कितनी सक्सेसफुल और सेफ है, इस पर इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए भी उठता है क्योंकि दिस वैक्सीन हैज बीन अप्रूव्ड बिफोर साइंटिस्ट कंप्लीटेड देयर फेज 3 ट्रायल्स। वैक्सीन के थोरो टेस्ट के लिए जरूरी है कि हजारों लोगों पर वो टेस्ट किया गया हो, पर ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही कम वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का टेस्ट किया गया। अब बात करते हैं कि क्या इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स हैं, यानी कि हाउ विल द पर्सन्स बॉडी रिस्पॉन्ड आफ्टर दिस वैक्सीन। तो इस टॉपिक पर बात करते हुए अलेक्जेंडर गेंसबर्ग ने ये बताया कि यूजुअली आफ्टर वैक्सीनेशन उस इंसान को माइल्ड फीवर, फटीग और बॉडी ब्रेकडाउन कुछ टाइम के लिए फील होता है, और इस रशियन वैक्सीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि इस वैक्सीन के लगाने के बाद आर इम्यून सिस्टम विल गेट मच मच स्ट्रॉन्गर। अब बात करते हैं कि कितनी होगी इस वैक्सीन की कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू रशियन एजेंसी टास, ये वैक्सीन रशिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई जाएगी। इस पर हुए खर्चे को कंट्री के बजट से मीट किया जाएगा। बाकी कंट्रीज में कितने की बिकेगी, अगर बिकी तो, वो रिवील अभी नहीं किया गया। रशिया में सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का इंजेक्शन दिया जाएगा। अब बताती हूँ कि दुनिया में किसे पहले मिलेगी ये वैक्सीन। रशिया ने वर्ल्ड वाइड वैक्सीन सप्लाई करने की बात तो कही है, बट मेनी कंट्रीज आर स्टिल हेजिस्टेंट अबाउट इट। वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग WHO ने कंसर्न जताया है कि विदाउट एडिक्वेट डेटा वैक्सीन को इस तरह सप्लाई करना अप्रोप्रिएट नहीं है। यूनाइटेड किंगडम ने तो ये साफ कहा है कि वो अपने सिटीजन्स को रशियन वैक्सीन की डोज नहीं देंगे। रशिया की जर्नल पब्लिक पर वैक्सीन का असर देखने के बाद ही बाकी देश इस पर कोई डिसीजन कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी इस रशियन वैक्सीन से जुड़ी सभी इम्पोर्टेंट अपडेट्स। बाकी तो जब तक वैक्सीन मार्केट में ना आ जाए तब तक कुछ भी निश्चित तौर पर कहना मुश्किल है। आपकी क्या राय है कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करें, और इस पेंडेमिक के टाइम पर अपना ध्यान रखें और अफवाहों से दूर रहें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।